जब बात आती है कैश की, तो कैश का ट्रांजैक्शन जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो या तो कैश अकाउंट होगा या कैश बुक होगा, और कैश बुक है तो उसमें एक बैंक का भी कॉलम होता है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर बैंक के थ्रू जा रहा है तो बैंक का एक सेपरेट कॉलम, जैसे हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ही बोलते हैं। बट अगर वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन जा रहा है, कोई पेमेंट बैंक में आ रही है, कोई पेमेंट आप बैंक के थ्रू कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो बैंक के पास से भी होकर के जाएगा और बैंक भी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोल रहे हैं। तो एक ही ट्रांजैक्शन है जो आपके कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रहा है और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक ट्रांजैक्शन अगर दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो दोनों का जो एट दी एंड बैलेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता नहीं है, तो वो ऐसा क्यों नहीं होता उसी को जानने की कोशिश करते हैं हम BRS के थ्रू। BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है जो रिकनसाइल करने की कोशिश करता है उन रीजंस को, उन कारणों को समझाने की कोशिश करता है जिनकी वजह से बैंक बुक और कैश बुक दोनों में फर्क क्यों है, मतलब कैश बुक और पासबुक में फर्क क्यों है। तो फर्क को कम करने के लिए, फर्क को बताने के लिए जो रीजंस है उसको हम रिकन्सिलेशन बोलते हैं। तो उस रिकन्सिलेशन का जो लिस्ट है, दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेसिक सी डेफिनेशन, बेसिक सा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। नीड फॉर रिकन्सिलेशन, इट इज जनरली एक्सपीरियंस दैट वेन कंपेरिजन इज मेड बिटवीन द बैंक बैलेंस एज शोन इन द फॉर्म्स कैश बुक, द टू बैलेंसेज डो नॉट टैली। कई बार ऐसा होता है कि टैली नहीं होते, और जब टैली नहीं हो रहे तब हमको BRS बनाने की जरूरत होती है, और अगर दोनों बैलेंसेस टैली हो रहे हैं तो BRS की कोई जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस देयर ऑफ एंड देन रिफ्लेक्ट देम इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टू रिकनसाइल द टू बैलेंसेस। रिकनसाइल का मतलब होता है टैली करना, दोनों को एक लेकर के आना। ठीक है, कौन कौन से वो दो बैलेंसेस, ये हैं वो दो बैलेंसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी अकाउंट का, किसी भी बुक के दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट, और पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट, बट दोनों थोड़े से उल्टे होते हैं। कैश बुक में जिसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, पासबुक उसी को क्रेडिट बैलेंस बोलती है। क्यों बोलती है, क्योंकि कैश बुक में हम अपना कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बट पासबुक में जो है बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो हम बैंक के लिए जो है क्रेडिटर बन जाते हैं, क्योंकि एट द एंड बैंक हमको पैसा देने वाला है, बैंक के लिए वो उधारी है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। हमको लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे लिए वो एसेट है, पर वो सेम बैंक बैलेंस बैंक के पास रखा हुआ है, तो बैंक ने वो पैसा देना है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो बैंक ने वो पैसा आपसे उधारी लिया हुआ है जो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो इसलिए बैंक उसको क्रेडिट बैलेंस बोलता है, और हमारे लिए वही डेबिट बैलेंस है, तो दोनों सेम होने चाहिए। और उसका उल्टा हो जाएगा, कि डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक से आपने पैसा उधार लिया हुआ है, तो बैंक से जब आप पैसा उधार लेते हो तो बैंक का वो एसेट है, क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस मिलने वाला है, तो बैंक उसको डेबिट बैलेंस बोलता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। बस ये याद रखना है, इसी दो लाइन पे आपका पूरा का पूरा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वैरी करता है। तो अगर आप डेबिट बैलेंस से शुरू कर रहे हो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के। अब वो दोनों इक्वल क्यों नहीं है, उसको बीच के जो रीजंस है उसी को हम BRS में समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू कर रहे हो, तो एट द एंड आपका आंसर जो है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसको हम रिकनसाइल करते हैं BRS के थ्रू से। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन। ऑन 30 जून 2020 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक अलाउड अ सॉरी शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,000। तो इतना हमको समझ आ रहा है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो 12,000 दिख रहा है। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, कुछ रीजंस दिए हुए हैं, लास्ट लाइन पे आप आ जाओ। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हमको क्या समझना है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इतना हमको शुरू में दिया हुआ है कि ऑन 30 जून 2020 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,000। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है किसके इक्वल होता है, वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब होता है बैंक बैलेंस। डेबिट मतलब कैश बुक इज नथिंग बट योर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना मतलब आपके पास पैसा है। तो वो इस पर्सपेक्टिव, इस नॉलेज के बेसिस में सारी चीजें देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला पॉइंट नंबर वन क्या बोलता है, चेक्स पेड इन टू बैंक ₹8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ ₹6,500 वर क्लियर एंड क्रेडिट बाय द बैंक्स अप टू 30th June। अब क्या रीजन, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कुछ चेक्स जो हैं बैंक में पे किए गए हैं, मतलब चेक बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं। चेक्स पेड इन टू द बैंक बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ ₹6,500 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक में जमा होना। तो आपने बैंक में डिपॉजिट किए 8,000 के चेक, पर बैंक में सिर्फ क्लियर हुए हैं 6,500 के चेक, मतलब क्या किया है आपने गड़बड़।
गड़बड़ ये हुई है कि कैश बुक में जब आपने एंट्री किया होगा तो 8,000 की एंट्री की हुई 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 होगी, पर पासबुक में जो एंट्री हुई है वो 6,500 की हुई है, तो फर्क आ रहा है 1,500 का। क्या फर्क है? अब इसकी वजह से डिफरेंस क्या हो रहा है? आपने शुरुआत कहाँ से किया था? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। तो 8,000 की एंट्री आपने किया तो 8,000 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस, पासबुक में तो एंट्री सिर्फ 6,500 की हुई है, तो पासबुक का बैलेंस कितने से बढ़ा? सिर्फ 6,500 से। तो 1,500 से आपका बैलेंस ज्यादा है। कहाँ से? कैश बुक का जो बैलेंस है वो 8,000 से बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस सिर्फ 6,500 से बढ़ा है। मतलब कैश बुक का बैलेंस जो है वो 1,500 से ज्यादा बढ़ा गया है। तो अगर जो चीज़ ज्यादा बढ़ गई है और रियलिटी में वो हुई ही नहीं है, कि भले आपने चेक डाले हैं बट चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं, तो पैसा तो कभी आया ही नहीं, तो आपके कैश बुक में जो एंट्री दिख रही है वो फेक एंट्री है, डमी एंट्री है, क्योंकि पैसा आए बगैर ही आपने एंट्री पास कर दिया, तो उस एंट्री को आपने कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या होगा? बैलेंस को कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? तो जो बैलेंस आपको दिया हुआ है उस बैलेंस में से अगर आप 1,500 रुपये माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन आ जाएगा कि भाई फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, कि ये जो 1,500 रुपये है इसको आप माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं समझ आ रहा है क्या हमें? जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट एक कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, तो अगर आपका जो 1,500 है इसको आप माइनस कर दो, सिंपल सा सोल्यूशन है। कितना माइनस करना है? 8,000 या 6,500 नहीं करना है, 1,500 करना है, जितने का पैसा नहीं आया वो। ठीक है, पॉइंट नंबर वन क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर टू, चेक्स ऑफ रुपीज 9,200 वर इशूड, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ रुपीज 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। अब ये उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले में क्या हो रहा था कि चेक आपने डिपॉजिट किया था, दूसरे में क्या हो गया? चेक आपने इशू किया है, पेमेंट आपने सामने वाले को दिया है, सामने वाले को चेक दिया है आपने 9,200 के, बट अब तक चेक सिर्फ कितने क्लेम किए गए हैं? 7,000। मतलब आपने जब एंट्री किया है कैश बुक में तो आपने बोल दिया कि 9,200 की पेमेंट हो गई, पर एक्चुअल पेमेंट कितने की हुई है बैंक के थ्रू? सिर्फ 7,000 की। तो कैश बुक में पेमेंट एंट्री हो गई है 9,200 की, पर पासबुक में पेमेंट एंट्री सिर्फ 7,000 की हुई होगी। मतलब क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस आपने कम कर दिया है 9,200 से, बट एक्चुअल में बैलेंस कितने से कम हुआ है? सिर्फ 7,000 से। तो मतलब जो डिफरेंस है 9,200 माइनस 7,000, डिफरेंस इज 2,200, तो 2,200 से एक्स्ट्रा आपने माइनस कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा माइनस किया है उसको वापस से ऐड बैक करो, क्योंकि वो पैसा अभी भी आपके पास है, वो पैसा आपके अकाउंट से गया नहीं है। दोनों में फर्क समझ रहा है? पहले वाले में क्या हो गया था कि पैसा आया ही नहीं है, आपने बोल दिया आ गया, दूसरे में क्या हो गया? पैसा गया ही नहीं है और आप बोल रहे हो चला गया। तो जो पैसा गया ही नहीं है तो आपका ही है, उसकी वजह से बैलेंस आपने जबरदस्ती का कम किया हुआ है, तो ऐड करके वापस से बैलेंस बढ़ाओ। पहले वाले में बैलेंस बढ़ा ही नहीं है पर फिर भी आपने बढ़ा दिया है, तो कम करो, जो रियलिटी है उसमें आओ। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री। अब अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो पॉज करो, स्लो मोशन फास्ट फॉरवर्ड जैसे समझ आ रहा है वैसे करो, पॉज करके एक एक ट्रांजेक्शन समझो। हम अपने फ्लो से चल रहे हैं वीडियो के हिसाब से, बट आपको अपने फ्लो के हिसाब से समझना है, जैसे आपको समझ आ रहा है, जितनी स्पीड में आपको समझ आ रहा है, आपको एक एक ट्रांजैक्शन समझना है तभी आगे बढ़ना है। नहीं समझ आ रहा है, पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखो, समझो, साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ, क्योंकि देखने से सिर्फ समझ नहीं आएगा, साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जहां पर भी आप BRS सीख रहे हो, जिस भी लेवल पे सिखाया जाता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोल रहा है? द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹200। मतलब क्या हो गया? रिसीट कॉलम मतलब पैसा आया है, पैसा आने वाला जो कॉलम है जिसमें पैसा आता है, पैसे आने से क्या होता है? रिसीव होने से क्या होता है? डेबिट बैलेंस बढ़ता है, बढ़ने की वजह क्या हो गया? अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब कम हुआ है, तो कम हुआ है तो उसको बढ़ा दो कि जितने से कम हुआ है। तो ये तो सिंपल सा ट्रांजेक्शन है कि अंडर कास्ट हुआ है तो अंडर कास्ट को बढ़ाओ, एक्चुअल अमाउंट पे लेकर के आओ, तो 200 से बढ़ा दो। पॉइंट नंबर फोर, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है पॉज करो, नहीं समझ आ रहा है कमेंट करके बताओ, विल री एक्सप्लेन। कुछ जो जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझना इज इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर फोर, द पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹330 एज अ क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंकर्स एंड डेबिट ऑफ ₹60 फॉर बैंक चार्जेस। अब ये इसका मतलब क्या है? ये वो चीजें हैं जो बैंक में दिख रही है पर कैश बुक में नहीं दिख रही। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्थ के अंदर दो ट्रांजेक्शन है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है। पहला क्या है? द पासबुक शोज क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा आ गया है, तो बैंक में पैसा आने से क्या बैंक बैलेंस बढ़ गया है। कैश बुक में उसकी एंट्री हुई है क्या? नहीं। तो कैश बुक में अगर एंट्री नहीं हुई तो एंट्री करोगे तो क्या होगा? बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले ट्रांजेक्शन के लिए आप ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे? क्योंकि ये पैसा, इसकी वजह से बैंक कैश का बैलेंस बढ़ना चाहिए पर बढ़ा नहीं है, बैंक में बढ़ चुका है, तो कैश का भी बढ़ाओ, बैंक के पास ले करके जाओ।
दूसरा क्या बोल रहा है, एंड डेबिट ऑफ रुपीज 60। डेबिट ऑफ रुपीज 60 मतलब इतने से पैसा, इतने से बैंक चार्जेस हुआ है, इतने से बैंक डेबिट हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस इतने से कम हुआ है, पर कैश बुक में बैलेंस कम हुआ है क्या? नहीं, तो कम करो। क्यों नहीं किया कम, तो उसी को कम करना है, ठीक है? दैट इज योर सब्सट्रैक्शन पार्ट। देन पॉइंट नंबर फोर, ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 3,000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट, बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर था, उसने आपको बिना बताए ही आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो आपके बिना बताए ही अकाउंट में डाल दिया मतलब क्या, बैंक अकाउंट में तो एंट्री हो गई है पर आपके कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। बैंक में एंट्री हो गई है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, पैसा आया है, पैसा आने से बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बैंक बैलेंस बढ़ चुका है तो मतलब कैश बुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? ऐड करके। तो इसको भी आप क्या करोगे, ऐड। हो गया, यही आपका बन गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्या है आपके पास, पहला आप माइनस कर रहे हो, फिर देखो आप टोटल गिन लो कितने आइटम है। सब्सट्रैक्शन के 2 आइटम है और एडिशन के 4 आइटम है। तो अब आपका फॉर्मेट ऐसा होता है कि 2 कॉलम बना लो, एक ऐड का, एक सब्सट्रैक्ट का, या एक लिस्ट बना लो, एक के पहले ऐड के 2 आइटम, ऐड के 4 आइटम, फिर लेस के 2 आइटम, ऐसा करके जैसे भी कर लो, आप जिस भी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो। अब इसी इसी को हमने क्वेश्चन हमने समझ लिया है, आंसर भी हमने समझ लिया, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो प्रेजेंटेशन है अगली स्लाइड में। देखो ये है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप पहले लिखते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेंटर में, एज ऑन किस डेट को बनाया जा रहा है। देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फर्स्ट फर्स्ट लाइन पे ही दिया हुआ है कि ऑन 30 जून 2020, तो एज ऑन 30 जून 2020 डेट डाल दो बस। 3 कॉलम हमने बना दिया, हमने क्या किया, लिस्ट बनाया पहले, ऐड और लिस्ट जो भी है साइड बाय साइड करते जा रहे हैं। तो हमने पहले ऐड ऐड कर लिए 4 आइटम जो हमारे एडिशन के थे, और उसके बाद हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। नंबरिंग में मत जाओ, यहाँ पॉइंट नंबर 1 नहीं दिख रहा है, 2 3 4 5, तो 5 नहीं है, 4 ही है। डोंट गो इन टू द नंबरिंग, 1 4 थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया है, बट कॉन्सेप्ट को समझो। तो जो हमने समझा था वही, पहला आइटम क्या था हमारा, सब्सट्रैक्ट का, तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 1,500 गए, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1,500। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, 7,000 के 9,000 के 9,200 के चेक इशू किए बट सिर्फ 7,000 के प्रेजेंट हुए, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,200 ऐड कर दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,200। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक उसको भी आप ऐड कर दो, ऐड रिसीट कॉलम ऑफ अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक रुपीज 200। देन नेक्स्ट पॉइंट इट इज दो ट्रांजेक्शन है उसमें, पहला क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट का क्रेडिट होना, उसको हमने क्या करना है ऐड, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डायरेक्टली इन द बैंक उसको ऐड कर दिया 330। एंड देन एक है डेबिट डेबिट ऑफ व्हाट वी कैन से बैंक चार्जेस 60 रुपीज, तो वो जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, सिंपल इनफ। देन क्या बच रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट भी आप ऐड कर दो 3,000 बस। ऐड करके फाइनल जो आपका आंसर आया, हमने शुरुआत किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दैट इज वॉट योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। अब ये एक क्वेश्चन है, यहां तक आपने सीख लिया, अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये क्वेश्चन जिनको समझ आ गया, प्लीज पॉज दिस वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद इस वीडियो पे आओ और आगे कंटिन्यू करो कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। पहले एक बार खुद से कोशिश करना चाहिए, जिनको समझ आया प्लीज गिव इट अ ट्राई, नहीं समझ आया तो कोशिश करते हैं दोबारा से समझने की क्यों समझ नहीं आया, ठीक है? इस बार हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो अगर आपको फास्ट लगे तो स्लो करके एक बार समझने की कोशिश कीजिए, हर एक पॉइंट को मैं एक एक बार समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज, ऑन 30 जून 2021 द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 2,500 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। अब आपको ये समझना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कि क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में पैसा आपके पास है नहीं, उधारी है। तो अब आपको हर हर ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा कि उधारी इस पर्टिकुलर चीज से उधारी कम होगी या बढ़ेगी, कि बैंक बैलेंस जो है, जो उधारी वाला बैलेंस है वो कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आप ऐड और लेस करोगे, ठीक है? एंड यहां से आपने शुरू किया है, कहां से हम शुरू कर रहे हैं, कैश बुक मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो आपका आंसर आएगा वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, ठीक है? पहला, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 14,600 हैड बीन पेड टू द बैंक, बट ऑफ दीज ओनली रुपीज 12,200 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून 2021। मतलब चेक डिपॉजिट किए गए हैं पर सारे के सारे क्रेडिट नहीं हुए, मतलब सेम ट्रांजेक्शन पहला वाला जैसा हमने किया था वैसे ही, बट इसका इफेक्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत कुछ और तरीके से हुई है। तो पिछले को साइड में रखना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, इसको समझने की कोशिश करना है। क्या 14,600 के चेक आप डिपॉजिट करोगे बट एक्चुअल में क्लियर कितने के हुए, सिर्फ 12,200 के। मतलब आपने क्या किया है, आपने बोला कि पैसा 14,600 आया बट रियलिटी में कितना आया है, 12,200। तो मतलब पैसा कितने से कम आया है, जो कम अमाउंट है उसको क्या करना चाहिए हमने। यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि अगर आपके बैलेंस एक्चुअल में कम हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपके ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में।
अगर नॉर्मल बैलेंस होता तो वो बैलेंस कम होता, पर यहाँ पे पैसा कम आने की वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, देखो पिछले वाले ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, बट यहाँ पे हम उसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भाई पैसा कम आने की वजह से ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ गया है, आपने ओवरड्राफ्ट कम कर दिया है, ज्यादा एंट्री ज्यादा अमाउंट की रिकॉर्ड की है, 14,000 आपने बोला 14,600 आया, तो मतलब ओवरड्राफ्ट आपकी कम हो चुकी थी, बट क्या हो रहा है, पैसा एक्चुअल में 14,600 नहीं आया, कम आया था, जो डिफरेंस अमाउंट है 14,600 माइनस 12,200 विच इज गोइंग टू बी 2,400, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो समझने की कोशिश करना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जाएगा। ही हैड ऑल्सो इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 आउट ऑफ विच ओनली ₹3,600 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, चेक आपने इशू कर दिए बट पेमेंट के लिए अभी तक आए ही नहीं, तो आपने क्या किया था, आपने 10,000 की पेमेंट एंट्री पास कर दी, 10,000 की पेमेंट एंट्री करने से ओवरड्राफ्ट आपको बढ़ गया था, अब आपको क्या करना है, वो ओवरड्राफ्ट कम हो गया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में कम है, जो आपने कर दिया था उतना ओवरड्राफ्ट है ही नहीं। थर्ड क्या बोल रहा है, चेक ऑफ ₹500 चेक ऑफ ₹500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। मतलब आपने एक चेक डेबिट कर दिया था, आपने एक पेमेंट कर दिया था, बट वो चेक अभी तक हुआ ही नहीं है, तो पेमेंट करने की वजह से क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है, बट अगर हुआ ही नहीं है तो माइनस कर दो, अगेन ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। देर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड ₹50 फॉर इंटरेस्ट। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ओवरड्राफ्ट और बढ़ना चाहिए था, पर उसकी वजह से ओवरड्राफ्ट आपका क्या हो गया है, कम है, तो ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस बैंक पासबुक में है बट आपके कैशबुक में नहीं है, तो कैशबुक में जैसे ही आप करोगे तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, तो इनको ऐड करना है। अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इन द बैंक ₹1,000 बट वॉज नॉट शोन इन द कैशबुक। मतलब कस्टमर ने पैसे दे दिए, कस्टमर के पैसे देने की वजह से क्या होता है, ओवरड्राफ्ट कम होता है, पर आपने ओवरड्राफ्ट कम किया गया नहीं, तो कम करो, बैलेंस आपका और कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट आपका कम हो जाएगा जैसे ही कस्टमर का पैसा अकाउंट में आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब आपने एक पेमेंट कर दिया है बैंक बुक में, कैश बुक में वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पेमेंट करने से क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बढ़ती है, तो बढ़ा दो, इसको भी आपने ऐड कर देना है, बस यही है। पहला अमाउंट क्या कर रहे हैं हम, पहले अमाउंट की वजह से क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट क्या होती है, आपने बोला 14,600, मतलब ओवरड्राफ्ट कम हो गई है, पर ओवरड्राफ्ट कम हुई है क्या एक्चुअली, नहीं, तो ओवरड्राफ्ट को आपने बढ़ाना पड़ेगा उस अमाउंट से। क्यों ऐड और लेस कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि ओवरड्राफ्ट कम होगी या घटेगी, ठीक है, उसका सोल्यूशन ये रहा आपके सामने। दो आइटम ऐड हो रहे हैं, बाकी के आइटम्स लेस हो रहे हैं, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने के लिए हैं, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन जिसने भी सॉल्व किया प्लीज पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, इट विल बी रियली हेल्पफुल। नहीं समझ आया तो प्लीज मेक अ कॉमेंट, विल मेक अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, बट समझ आता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे आपके लिए, और जिसने भी सॉल्व किया है, जिनको भी आंसर आ गया है, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब या यू कैन गिव दिस वीडियो थम्स अप, अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।